70 साल हो गए पाकिस्तान को बने, आपसे पाकिस्तान सिर्फ 2 साल बड़ा है। आपने इन 70 सालों में काफ़ी सफ़र गुजारा, आज के पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं और आगे कहाँ जाना है? मैं समझता हूँ कि ये कहना शायद ज़्यादा मुनासिब हो कि हमारी कौम या हमारी रियासत जो है वो गुमराह हो चुकी है। वो ख्वाब या वो रास्ता जो कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल ने इस कौम के लिए तायुन किया था, जिसका हम उस रास्ते पर नहीं चल पाए और भटक गए, और अब भटकते भटकते हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि इस कौम को कुछ अहम फैसले करने होंगे कि हमें किस जानिब जाना है। मैं समझता हूँ कि पिछले 70 साल में क़याम पाकिस्तान के वक्त से लेकर आज तक हमारा जो हुक्मरान तबका था उसने एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जिसमें उसके मफादात का तहफ़ तो मौजूद था, मगर पाकिस्तान के अवाम जिनकी अक्सरियत गरीब है उनके लिए कभी किसी हुक्मरान ने सही मानों में नहीं सोचा। और आज ये हालत है कि इस वक्त कौम तकसीम हो चुकी है। एक वो लोग हैं जो इकदार में हमेशा से रहे और रहेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत पर कब्ज़ा किया हुआ है, और एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान जो आज़ादी से महरूम रह गए, जिनको बुनियादी आसाइशें जो एक रियासत में, एक आज़ाद रियासत में मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, और वो है पाकिस्तान की अक्सरियत। और मैं समझता हूँ कि अफसोस मुझे इस बात का है कि हमारे हुक्मरान तबके के अक्सर वो लोग जो इकदार में रहे उन्होंने नारे ज़रूर लगाए मगर वो गरीब आवाम के लिए कभी कुछ नहीं कर पाए। और आज हम एक, जैसे मैंने कहा, दोराहे पे खड़े हैं कि हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, हमारी सियासत भी तबाह हो चुकी है, सियासत के भी बुरा हाल है। वो इकदार, वो वैल्यूज़ जो हमारे आबा अजदाद ने हमें सिखाए थे वो हम भूल चुके हैं। एक चीज़ है, बहुत ऐसा पहले हम ये सुनते हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरे, आज भी हम सुनते हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरे। नवाज शरीफ ने तकरीर की और कहा कि साजिश होती है, कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत कम्प्लीट नहीं कर सका, और ज़्यादातर अगर हम देखें बशमूल नवाज शरीफ के, ज़्यादातर वज़ीरे आज़म के ख़िलाफ़ साजिश में वो खुद ही मुलव्वस थे, अपने खिलाफ भी, जुनेजो के खिलाफ भी, बेनज़ीर के खिलाफ भी, और गिलानी मुहिम में भी वो हमें पेश पेश नज़र आए, गो गिलानी गो जो मुहिम उन्होंने शुरू की। बहरहाल उनका ये इल्ज़ाम है कि जी वज़ीरे आज़म किसी को भी अपनी मुद्दत पूरी करने नहीं दी, ये साजिश करता कौन है? नहीं मुलक्सा, ये मुद्दत पूरी करना ये मसला नहीं, इसको मसला बनाया जा रहा है, असली मसला है निज़ाम का। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम है इसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है, और चूंकि हमारे हमारी तारीख मिलिट्री टेक ओवर सिविलियन गवर्नमेंट से भरपूर है, और कोई भी सही मानों में इस मुल्क की, मैं समझता हूं, खिदमत नहीं कर पाया और निज़ाम की जड़ें मजबूत नहीं हो पाई, इसीलिए ये निज़ाम जो है ये आगे बढ़ता है फिर रुक जाता है, आगे बढ़ता है फिर रुक जाता है। मगर इस निज़ाम में हमें वाकई बहुत खामियां हैं जिनको दूर करना ज़रूरी होगा, अगर वो हम दूर नहीं कर पाए उस पर कौमी, मैं समझता हूँ पूरी कौम को गौर व फिक्र की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि हम इसी तरह भटकते रहेंगे।